कुछ देर में भी रेलवे स्टेशन जाएंगे उससे पहले। ये कलर कैसा इसका? रे बाबा ये तो पूरा रेलवे स्टेशन खा लिया रे। बाबूराव का चार जान प्राण रूह सब निकल चुकी है। दे हैव चार्ज्ड मी फॉर वन मिनट गाइस, मैं थोड़ा टैप कर लेता हूँ, गर्मी पसीना एंड ऑल दैट शिट यू नो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ज़ाकिर मदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल आई एम खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जी वाहन जिसका उपयोग हम अपने जीवन के भिन्न भिन्न कार्यों में करते हैं। अगर हमारे पास वाहन है, हमारे जीवन के कई सारे कठिन कार्य हमारे लिए काफी सरल और आसान हो जाते हैं। अगर जिस जगह पर हम रहते हैं, अगर हमें उस जगह से कहीं दूर दूसरी जगह पर जाना, तो उसी वाहन को दूसरे वाहन में बैठा तीसरे वाहन के सहारे कैसे उस जगह पर पहुंचाएं जहां हम उस वाहन का इस्तेमाल करेंगे, क्या आपने कभी ऐसा सोचा? अरे मुझे चक्कर आने लग गए। ये बहुत ही खतरनाक सवाल, अगर आप ये सोच लेंगे तो आप उस दिन अपने जीवन के चरण स्पर्श तक पहुंच चुके हैं। आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। कहाँ जा रहा है? कैसे हम अपने वाहन को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक हम खुद पहुँचना चाहते हैं। पेट्रोल हमने ले लिया है। It's like I'm gone to you। हमारी तरह कई सारे छात्र बंधु जो हॉस्टलों में रहते हैं, माफ की जगह में हॉस्टल का शुद्ध हिंदी नहीं पता, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए वाहनों को लेकर जाना चाहते हैं। वो काफी परेशान रहते हैं, कोई उनको राह दिखाने वाला नहीं होता। मैं आपको राह दिखाऊंगा बिना किसी गुरु दक्षिणा के। आज आपको बताऊंगा कैसे अपने वाहन को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाए। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बड़े तमीज से तहजीब से भीख मांगना चाहूंगा। मेरे हिसाब से आपने कर ही दिया, बोलने की जरूरत नहीं है, छोटी बच्ची हो क्या? So guys, jokes apart, you know, मुझे बांसी, मतलब मैं जहाँ होम टाउन में रहता हूँ वहाँ से मुझे अलीगढ़ के लिए अपनी गाड़ी लेकर जानी थी। पहले तो मैं सोचा उसको चला कर ले जाता हूँ। मेरी गाड़ी जो है CT 110, उसका डिस्प्लेसमेंट 115 सीसी का। इससे पहले मेरे पास अपाची RTR 200 थी, वो एक स्पोर्ट्स बाइक थी, नेकेड स्ट्रीट फाइटर। वो होती तो कोई प्रॉब्लम ही, हम कहे सादा सरल जीवन और कम खर्चे वाली गाड़ी हमको अपनाने नहीं चाहिए, उसकी वजह से हमने CT 110 खरीदी। अब ये गाड़ी ऐसी, अगर मैं इसको हाईवे पे चलाऊंगा ना, तो अगर मेरे बगल से कोई ट्रक गुजरा ना, उसके हवा के झोंके में शहीद हो जाएगा यन खान। आपको वीडियो बनाने वाला कोई मिलेगा? बस एक ट्रक गुजरने की देरी है मेरे बगल से और मैं अपनी गाड़ी के साथ शहीद। मैं इस गाड़ी को सोच रहा हूँ ट्रेन पे लदवा के लेकर जाने के लिए। हमारे होम टाउन में, मतलब बांसी में, रेलवे स्टेशन नहीं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक शहर है बस्ती, वहाँ पे रेलवे स्टेशन, तो वहां पे हमें जाना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा, फिर वहां पे ट्रेन पे उसको पहचाना पड़ेगा, फिर वहां से उसको भिजवाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ कुछ देर के लिए रुके हुए हैं, अशफाक भाई को दवा भी लेनी थी। कुछ देर में भी रेलवे स्टेशन जाएंगे, उससे पहले कहीं पर जाके गला हमारा सूख चुका है, उसको गीला भी करना है। अभी आपको अगर गाड़ी लेकर जानी है अलीगढ़ या फिर कहीं पे भी जिस हॉस्टल में आप रहते हैं, उसके लिए आपको जरूरत है एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अपने गाड़ी के RC की फोटोकॉपी, मतलब की रजिस्ट्रेशन चालान की फोटोकॉपी। ये दोनों डॉक्यूमेंट रख के और अपनी गाड़ी को लेकर सटाक से स्टेशन पर पहुंच जाइए। छोटे से वक्फे के लिए हम लोग रुके हुए हैं, कुछ ठूसने के लिए। अंदर बिरयानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ, मगर कोल्ड ड्रिंक नहीं रखा हुआ। मुझे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अरे कोल्ड ड्रिंक दिला दो भैया। छोटी सी दुकान दिख गई हमें, कोल्ड ड्रिंक हो गई भैया। आखिरी होप, आई गॉट द कोल्ड ड्रिंक। शादी वाला है, उठा लिया। सो गाइस, वी आर डन विद आवर सहरी, अब हमें पूरा दिन रोजा रखना है। मजाक, हमारा लंच हो चुका है, अब हम जा रहे हैं अगली मंजिल की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ। ठोकने का नहीं रे बाबा, वायलेंस नहीं करने का। ये फाइनली पहुंच गए हैं। रे बाबा ये तो पूरा रेलवे स्टेशन खा लिया रे राजू। वहाँ पे जाके आप पता कीजिए कहाँ पे पार्सल वाला सेक्शन है, फिर वहाँ पे अपनी गाड़ी को लेकर जाइए, उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, फिर वो डॉक्यूमेंट आपके देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद एक फॉर्म देंगे, उसको फिल करना रहता है। माल मलिदा होने के बाद आप उनको पेमेंट करोगे, फिर वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट आप रख लोगे जिसको दिखा के आप गाड़ी ले सकते हो फिर। सो गाइस, फाइनली अभी हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं, अभी हमें उस सेक्शन में जाना जहां से हम लोग गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। और ये धूप काफी तेज है, एंड यू नो व्हाट, मेरी गाड़ी में इतना सा पेट्रोल था, मतलब रिजर्व लगने के बहुत दिनों बाद तक मैंने अपनी गाड़ी को चलाया, फिर भी वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके आ गए। आई एम टोटली अमेज्ड। आप रे बाप, खतरनाक वाली धूप, फिर भी जद्दोजहद जारी रहेगी, हम कभी हार मानने वालों में से नहीं है। अहद उन अहद, पिछले 5 मिनट से हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें वो जगह नहीं मिल रही कहाँ से पार्सल करना है।
मिल गया इतनी खुशी ऐसे कैसे जद्दोजहद करके मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ मतलब बांसी तो नहीं बस्ती से मैंने अलीगढ़ कैसे भिजवाया। जल्दी सब गाड़ी लेकर आना है, मिलते हैं फिर सही सी जगह पर। तो गाइस फाइनली गाड़ी आ चुकी है। दो महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको अपने दिमाग में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला, जब भी आप गाड़ी को पार्सल सेक्शन में लेकर जाएं, उस गाड़ी में पेट्रोल इतना सा ही रखें कि बस वहां पर आप पहुंच जाएं। अभी इस गाड़ी का तेल निकाला जा रहा है, इसकी मतलब जान प्राण रूह सब निकल चुकी है। गाइस वी आर डन विद आवर पेपर वर्क। यहाँ पे आपको गाड़ी पैक करने के लिए भी लगभग 350 से 400 के बीच में पैसे लेंगे, आपको देना पड़ेगा, मजबूरी है। इसका चार्ज 950 रुपये। दे हैव चार्ज्ड मी फॉर 950 रुपीज। दूसरी चीज, आपको अपने गाड़ी के जो मिरर्स हैं वो निकाल लेना है। वो आप या तो यहाँ से निकाल के ले जाइए, अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करके जा रहे हैं तो बेहतर है मत निकालिए, क्योंकि फिर खतरा भी रहता है, अगल बगल की गाड़ियां दिखती नहीं है। तो पहुंच जाइए रेलवे स्टेशन पे जाके निकाल लीजिएगा, आपको बहुत मुश्किल नहीं रहता। गाइस यू नीड टू रिमूव द मिरर्स, आपको शीशे निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद वो लोग अच्छे से पैक कर देंगे। आप सामने खड़े होकर उसको पैक करवाएं, स्टेशन पे वो रहेगी, जब उसका वक्त आ जाएगा, जो ट्रेन आ जाएगी उस पे लदवा के फिर वो भिजवा देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। सो अभी इसको गाड़ी को पैक करेंगे, कुछ देर बाद बाबूराव का चादर है बाबा। गाड़ी हमने दे दी है, सारा काम समाप्त। सोना चांदी कॉपर सब पीते हैं। अरे बढ़ाओ 110 की स्पीड पे। सो गाइस वी आर वेटिंग फॉर द बस। We need to have something cool. वफा की उम्मीद भी करे तो किससे करे सनम, the bus has arrived. Mission successful. हम पधार चुके हैं। हमें जोहर और असर दोनों को जमा करनी पड़ेगी और दो दो रकत पढ़नी है सिर्फ, क्योंकि सफर वाली है। ठंडे पानी नाल वजू बना के साडे कलेजे विच टांडी पै गई होए। That's it for today, guys. Consistent रहने की मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिए कि मैं consistent रह पाऊं। बस यहीं पे मैं अपने इस वीडियो को खत्म करता हूं, मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी भेजिए इधर उधर, रेलवे वालों का फायदा उदा करवाइए। घूस नहीं मिला यार हमको रेल वालों को, ऐसा लग रहा है इन्हें निकाल दिया गया जायदाद से बेदखल।